महापर्व छठ के अवसर पर महानगर में छठ पूजा के सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में तेजी आ गई है। महानगर के विभिन्न बाजारों में छठ पूजा के लिए महिलाएं और पुरुष फलों आदि की खरीद करते नजर आए। जिला प्रशासन द्वारा महानगर में प्रमुख जगहों पर साफ सफाई करवाकर स्थायी तौर पर घाट बनाए गए। महानगर में जिला प्रशासन द्वारा 10 प्रमुख स्थलों पर छठ पूजा के लिए घाट बनाए गए हैं, जहां लगातार सफाई व्यवस्था जारी है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने छठ पर्व के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, छत के झाड़ बाहर बट सब देखिए छठ त्यौहार यहाँ तो बहुत लोग मनाते हैं, खासतौर पे पूर्वांचल में गोरखपुर में, इसलिए तो कल तो हम लोग लोकल छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी। उसका सफाई की व्यवस्था में हम लोग दिवाली के बाद भी जुटाए हुए थे। खासतौर पे राजघाट पुल के नीचे यहाँ परंपरागत तौर से उसका पूजा पाठ होता है। वहाँ करीबन दोनों तरफ 1 किलोमीटर का दूरी पर हम लोग अस्थायी घाट बना हुआ है उसको रोशनी का भी व्यवस्था करा लिया। उसका जो कल तक मूर्ति के विसर्जन था वहाँ कूड़ा उड़ा बहुत इकट्ठा हो गई थी, आज उसको तो विशेष अभियान दिन रात भर चलेगा ताकि जो कितने कूड़ा और मूर्ति का विसर्जन, खासतौर पर लक्ष्मी पूजन का विसर्जन हुआ था, उसी को भी उठा करके हम लोग किनारे करेंगे। आज पूरे दिन सफाई में लगा हुआ है उस पर। उसके अलावा जगह जगह कहाँ सूरज कुंड है, कहाँ कहाँ जो परंपरागत तौर से जो पूजा पाठ होता है वहाँ भी हम लोग सफाई का अभियान चला रहे हैं। उसका और अभियान हम लोग का लगातार जारी रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, ताकि छठ का पूजा 2 दिन और चलेगा, 13 के बाद 14 भी चलेगा, 15 भी चलेगा, उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करें। यहाँ अस्थायी घाट यार परंपरागत तौर से तो 10 जगह बनाया है, एक तो राजघाट है, उसके अलावा जो रामगढ़ थाल में भी बना हुआ है, सूरज कुंड में बना हुआ है, और भी जगह जगह कहाँ परंपरागत तौर से बना हुआ, वहाँ सरकार के साधन संसाधन से बनाया है। उसके अलावा जो कुछ लोग वहाँ ही लोकल लोग भी अपने साधन संसाधन से बनाया, उसको भी हम लोग परमिशन जारी किए, उन लोग भी बनाए।